अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ योगी वजाहत और आप देख रहे हैं सेकंड ओपिनियन। कहते हैं कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए ज़िंदा रहना चाहिए। लेकिन मसला उस वक्त पैदा होता है जब इंसान को ये नहीं पता चलता कि क्या खाया जाए, कितना खाया जाए और कौन सी चीज़ खाने के लिए मुतवाज़िन है। ग़िज़ा एक ऐसा अमल है कि जिसके बग़ैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। ये अलग बात है कि पानी और फिर हवा इसमें बहुत अहमियत की हामिल है। ग़िज़ा के लिए अगर आपको ये पता ना हो कि आपको क्या खाना चाहिए, तो होता यह है कि इंसान एक ही किसी ग्रुप को ले लेता है। जैसे कुछ लोग सिर्फ सब्ज़ियाँ खाते हैं और सिर्फ सब्ज़ी ही खाते खाते सब कुछ अपना समझते हैं कि पूरा हो गया हिसाब किताब। ऐसा नहीं होता। ग़िज़ा के लिए आपको ग़िज़ाई मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा मौजू मुतवाज़िन ग़िज़ा है कि ग़िज़ा का इस्तेमाल और क्या क्या इस्तेमाल मुतवाज़िन ग़िज़ा कहलाता है। तो आइए चलते हैं अपने माहिर के पास और उनसे पूछते हैं ग़िज़ा के हवाले से। हम अपने वादे के मुताबिक अब उन एक्सपर्ट के पास हैं जो कि मौजू के हवाले से आज हमसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ ये बताता चलूँ कि ग़िज़ा एक बहुत अहम साइंस भी है। हम खाना खाते हैं तो ये तवक्को नहीं करते, ये गौर नहीं करते, ये उस पर हमारी जो तवज्जो है वो नहीं होती कि जो हम खाना खा रहे हैं वो सिर्फ़ एक वक्त की रोटी, सालन या पेट भरने का कुछ हिस्सा है, काविश है, या ये भी इसके पीछे भी कोई फ़लसफ़ा है ना। अजीब सी बात, मैं भी बड़ा हैरान हुआ था जब मुझे ये सब कुछ पता चला कि इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक फ़लसफ़ा है। और ये फ़लसफ़ा मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। जिन लोगों की समझ में आता है उनको हम माहिर ग़िज़ाइयात कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ये ग़िज़ा के हवाले से माहिर होते हैं। और इसी हवाले से एक माहिर हमारे साथ हैं, आज हमारे पास इरम जुमरा साहिबा हैं। जी, कैसी हैं मैना? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, आपको खुश आमदेद कहते हैं। और आज आपकी जो महारत है ग़िज़ा के हवाले से, हम तो ये समझते थे कि दो वक्त की रोटी मिल जाए इंसान को तो बहुत है, लेकिन अब पता चला कि दो वक्त की रोटी में भी बहुत कुछ होता है। बिल्कुल होता है। आपकी फ़िलासफ़ी जो है वो माशाल्लाह बहुत होलिस्टिक है, इसलिए मैं आपको तो ये कहूँगी कि देखें, हमारे देखें पूरी कायनात एक बैलेंस पे मबनी है। तो जब इस पर देखें तो एवरी थिंग इन लाइफ, हमारे देखें हर चीज़ में बैलेंस है, तो ग़िज़ा में क्यों नहीं। आफ्टर ऑल कहते हैं ना कि यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं आप वही हैं। तो ग़िज़ा में बैलेंस जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो लफ्ज़ है ना मुतवाज़िन ग़िज़ा, बैलेंस डाइट, खाने में खाने को बैलेंस कैसे करते हैं, वो क्या ग्रुप्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो किसी ग़िज़ा को मुतवाज़िन करते हैं? खाने को डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर आती है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ता। कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं रोटी, चावल, अनाज से बनी हुई तमाम चीज़ें, एक ये ग्रुप है। फिर इसके अलावा गोश्त, मीट और उसके अल्टरनेट्स जिसमें गोश्त और दालें हैं। फिर इसके अलावा दूध और उससे बनी हुई चीज़ें हैं, उनका एक ग्रुप होता है। हम लोग फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ जो हैं ये दो अलग अलग ग्रुप्स में हैं, एक में फल हैं, एक में सब्ज़ियाँ हैं। और सबसे अहम चीज़ जो है वो इसमें पानी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप कहलाता है। और रिसेंटली रिसर्च ने ये चीज़ साबित की कि फ़ाइबर या जिसे आप रफेज कहते हैं या जिसे आप बूसी कह सकते हैं, वो भी एक ग्रुप के तौर पर शामिल कर लिया गया बीच में। तो इनकी एक ख़ास मकदार हर इंसान के लिए उसकी वज़न, उसके कद, उसकी उम्र के हिसाब से एक बैलेंस में उसको लेना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी हेल्थ मेंटेन कर सके। इंसान के हिसाब से ये तमाम उसूल जो हैं वेरिएट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए कुछ और, बड़ों के लिए कुछ और। सही, आपने कुछ निशानदेही तो की है, रहनुमाई तो हमारी कर दी, लेकिन फिर भी तिशनगी रही। फ़र्ज़ कीजिए मुझे गोश्त बहुत पसंद है और मैं सब्ज़ी तो खाते ही नहीं, तो क्या बचत हो जाएगी या ये ग़िज़ा मुतवाज़िन नहीं होगी? नहीं, ये ग़िज़ा बिल्कुल मुतवाज़िन नहीं होगी। जैसे कि आप खुद ही जानते हैं कि किसी भी एक चीज़ की ज़्यादती जब हो जाए, वो इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो बाकी चीज़ों को अपनी जगह से हटा दे, तो फिर तवाज़ुन तो ख़त्म हो गया ना। तो जब तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है तो उसका कहीं ना कहीं असर ज़रूर होता है।
تو جب آپ بات غذا کی کر رہے ہیں تو اثر ظاہر ہے کہ جسم پہ ہوگا. تو جو لوگ بھی گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں نیچرلی وہ سبزی کا استعمال کم کر رہے ہوتے ہیں, دوسری چیز کا استعمال کم کر رہے ہیں, تو ان کے جسم میں بہت ساری ایسی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے جو کہ آگے چل کے مثلاً دل کی بیماریاں اور بہت ساری اور صورت میں مینیفیسٹ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو وہ صرف کہتے ہیں جی ہم گوشت کھاتے نہیں, ہم صرف ویجیٹیرین ہیں, ویج پہ وہ رہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہوگا؟ یا ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو لوگ صرف سبزیاں کھاتے ہیں وہ تو بڑے ہیلدی ہوتے ہوں گے؟ دیکھیں ایسے نہیں ہے. ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے انسان کے لیے وہ اسی لیے ہے کہ وہ اس کا استعمال کرے. ویجیٹیرین جو لوگ ہیں, دیکھیں ویجیٹیرینس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں جو کہ انڈا اور دودھ اور ڈیری استعمال کرتے ہیں, وہ پھر بھی ان کے اندر کسی قسم کی پروٹینز کی کمی نہیں رہ جاتی ہے. لیکن جو ایسے ویجیٹیرینز ہیں جو کہ خالص صرف پودوں میں سے نکلی ہوئی چیز استعمال کریں گے, ان کے لیے یقیناً پروٹین جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. اور پروٹین کا امپورٹنٹ فنکشن ہمارے جسم میں ہوتا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ جو ہماری ہو رہی ہے اندر سیلز میں اس کو وہ ریکور کرے گا. بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے. چھوٹے بچے جو بڑھ رہے ہوتے ہیں, جن کی مسلز بن رہی ہیں, جسم بڑھ رہا ہے, قد بڑھ رہا ہے, تو وہ اس کی کمی سے پھر ظاہر ہے کہ افیکٹ ہوں گے, قد ویسا نہیں بڑھے گا. جیسے آپ عموماً دیکھتے ہیں برے صغیر میں ہی جب ہم کچھ کمپیریزن کرتے ہیں, مطلب ہمارے مختلف قسم کے ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین لوگ جب ساتھ ساتھ ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ ذرا پست قد ہوتے ہیں اور کچھ کمزور سے معلوم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرز. تو اس وجہ سے کیونکہ وہ پروٹین کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے. آپ کا بہت شکریہ, اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. خواتین حضرات, جو گفتگو یہاں ہوئی ہے صرف گفتگو نہیں ہے بلکہ اس میں وہ تمام رہنمائی بھی شامل ہے جو ایک ماہر کی نگاہ سے انہوں نے دیکھی. امید ہے کہ یہ سلسلہ اور گفتگو آپ کو اچھی لگی ہوگی, تو اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے. امید ہے کہ اب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ متوازن غذا کیا ہوتی ہے. ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں آیوویدا, زندگی کا علم. آریو وید یعنی زندگی اور اس کی نالج, وزڈم. وہ یہ کہتا ہے کہ کھانے کے حوالے سے غذا کے تین گن ہوتے ہیں, وہ اس کو گن کہتا ہے. اور گن کیا ہوتے ہیں؟ راجسک, تماسک اور ستوک. ہے نا مزے کی بات؟ لیکن یہ مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں گا اس بریک کے بعد, کیونکہ میں بریک پہ جا رہا ہوں, واپس آؤں گا تو بتاؤں گا کہ یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو گن بتائے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں, اس چھوٹے سے بریک کے بعد.